सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम येस बैंक स्टॉक के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि येस बैंक स्टॉक अभी किसी दिशा पे जा सकता है और ये स्टॉक के लिए किसी लेवल के आसपास स्ट्रांग सपोर्ट और किसी लेवल के आसपास स्ट्रांग रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है। तो दोस्तों, अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की हमको सिग्नल देता है तो किसी लेवल के आसपास आने के बाद ये स्टॉक पे पूरा कन्फर्मेशन आ जाएगा कि इसी लेवल से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है और कौन सा सपोर्ट लेवल को तोड़ देने के बाद ये येस बैंक स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सारे डिटेल्स हम टेक्निकल चार्ट ओपन करके कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस करके जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने येस बैंक का डेली चार्ट ओपन किया है। तो दोस्तों, डेली चार्ट के हिसाब से आप ये जो सारे कैंडल देख रहे हैं दोस्तों, एक एक कैंडल एक एक दिन का ड्यूरेशन पे बन रहा है। तो दोस्तों, ये स्टॉक दो से ढाई महीना पहले ये 29 के आसपास लो बनाया था और इसी लेवल से ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ आने लगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जब ये स्टॉक ये 75 लेवल के आसपास आया, इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है, क्योंकि देखिए इसी लेवल की स्टॉक तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। क्योंकि देखिए, जब ये लेवल के आसपास आया था, इसी लेवल से वापस नीचे की तरफ चला गया था और जब सेकेंड टाइम इसी लेवल के आसपास आया, वापस ये बेयरिश कैंडल पैटर्न फॉर्म करके वापस नीचे की तरफ चला गया। और देखिए दोस्तों, ये थर्ड टाइम जब ये लेवल के आसपास आया है, इसी लेवल से वापस ये नीचे की तरफ चला गया है। तो दोस्तों, इस स्टॉक के लिए हमको ये सिग्नल मिल रहा है कि 75 का लेवल ये स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। तो जब तक ये 75 लेवल को ये स्टॉक क्रॉस नहीं कर लेता है, तब तक हमको इसी स्टॉक पे नया बाइंग करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। क्योंकि अगर ये स्टॉक के लिए इससे ये 75 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बनाए रखता है, तो दोस्तों इसी लेवल से स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल की बात करोगे तो दोस्तों, इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल ये 62 लेवल के आसपास आ रहा है। क्योंकि देखिए, 62 लेवल पे स्टॉक एक महीना से लगभग ये रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और ये 62 लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जब भी ये 62 लेवल के आसपास आया है, इसी लेवल से बाइंग का पैटर्न फॉर्म करके वापस ऊपर की तरफ चला गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये दो तीन दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे दोस्तों, देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, ये एक बहुत बड़ा बेयरिश कैंडल पैटर्न फॉर्म करके ये 62 लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आ गया था। लेकिन दोस्तों, उसका इमीडिएट नेक्स्ट है, देखिए वापस बुलिश कैंडल पैटर्न फॉर्म करके ये वापस 62 लेवल के अंदर ही चला गया। और देखिए, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा है दोस्तों, ये एक बुलिश पियर्सिंग का पैटर्न है और बुलिश पियर्सिंग का पैटर्न एक बाइंग का पैटर्न होता है। और देखिए, उसके बाद ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, ये छोटा सा हैमर जैसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है ये 62 लेवल ये येस बैंक स्टॉक के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बन सकता है। अगर ये स्टॉक 62 लेवल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के वापस ऊपर की तरफ जाता है और मिनिमम ये 75 लेवल को क्रॉस कर लेता है, तो अभी दोस्तों आप ये स्टॉक पे बाइंग करना थोड़ा सही रहेगा। लेकिन अगर ये स्टॉक ये 62 लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ आके क्लोजिंग देता है, तो दोस्तों एक से दो दिनों के अंदर ये स्टॉक ये 57 लेवल के आसपास पहुंच जाएगा। अगर ये स्टॉक ये 57 लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है, तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये 45 लेवल के आसपास रहेगा। अगर ये 45 लेवल भी तोड़ देता है, तो ये 38 लेवल हमारे लिए थर्ड सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर ये स्टॉक ये 38 लेवल को भी तोड़ देता है, तो दोस्तों जब वापस ये स्टॉक ये 29 के आसपास आया था, इसी लेवल के आसपास ही स्टॉक हमको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था स्टॉक का डाउनवर्ड का सिग्नल। लेकिन अगर एक बार ये स्टॉक ये 75 लेवल को क्रॉस करके ऊपर मिनिमम दो तीन दिन ट्रेड करता है, तो दोस्तों एक से दो महीना के अंदर ये स्टॉक ये 100 लेवल के आसपास हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमको अभी थोड़ा सजग रहना है और इसी लेवल के आसपास ये स्टॉक को ट्रैक करना है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रहा है दोस्तों, ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी स्टॉक ट्रेड करता है,
तो हम वो स्टॉक को बुलिश मानते हैं। अगर इसके नीचे कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो हम वो स्टॉक को बियरिश मानते हैं। तो दोस्तों ये 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से देखिए, ये स्टॉक अभी ये लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये लाइन को क्रॉस करके स्टॉक ऊपर आके क्लोजिंग नहीं देता है दोस्तों, तब तक ये स्टॉक पे हम बता नहीं सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा बोल के। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये स्टॉक का ट्रेंड अभी डाउनवर्ड ट्रेंड पे जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो पैटर्न फॉर्म करके धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन एक दो दिनों से ये लेवल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना के ये स्टॉक रुकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर एक बार ये आज का जो लो बनाया है, अगर ये लो को ये स्टॉक क्रॉस करके नीचे की तरफ आता है तो दोस्तों एक से दो दिनों के अंदर ये स्टॉक हमको ये 57 लेवल के आसपास वापस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था येस बैंक स्टॉक के ऊपर मेरा पोजिशनल ट्रेडिंग का एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग पे हम ये स्टॉक पे क्या करेंगे उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो दोस्तों आपका एटीआर का मदद लेना सही रहता है, क्योंकि एटीआर वैल्यू के हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट आता है वो बहुत एक्यूरेट आता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एटीआर वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एटीआर वैल्यू के हिसाब से ये 4.5 दिखा रहा है, तो दोस्तों आप राउंड फिगर नेट नेट 4 ले लीजिए। और देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए उसका जो स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड करना है, बेसिकली हम 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर आप उसका एवरेज एटीआर वैल्यू को देखोगे तो ये 1 आ रहा है। इसका मतलब है हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 1 × 1.5, तो 1.5 का हमारी स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट आएगा वो उसका डबल आएगा, मतलब 3 पॉइंट की हमारी टारगेट आएगा। तो बेसिकली 1:2 रेशियो पे हम ये स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करने के लिए जाएंगे। और देखिए, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लेना है, जब ये स्टॉक आज का लो को तोड़ देगा, मतलब ये 61 लेवल को तोड़ के जब नीचे की तरफ आएगा, ये 60.75 के आसपास आप इस पर शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन बना सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 1.5 पॉइंट ऊपर आप आपकी स्टॉप लॉस रखोगे। अगर आप 60.75 के आसपास एंट्री लेते हो तो 1.5 मतलब 62.25 के आसपास आप आपकी स्टॉप लॉस रखोगे। और आपका जो टारगेट रहेगा 60.75 - 3, तो 57.75 के आसपास आप आपकी टारगेट लेके चलोगे। तो दोस्तों ये था येस बैंक स्टॉक के ऊपर मेरा टेक्निकल एनालिसिस। और ये येस बैंक स्टॉक के ऊपर मैं आपको बताया कि हमको टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग पे स्टॉक के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई सेफ स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने ये निफ्टी फ्यूचर के ऊपर एक सेफ हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाया है। और ये स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यूअसली 8 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया लाइव मार्केट में खुद काम करके इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये 7-8 मंथ पे मैंने जो भी सारे ट्रेडिंग किया है उसका रिजल्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए, मैंने हर दिन इसी कम्युनिटी टैब के अंदर इसका रिजल्ट को शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, रिजल्ट के हिसाब से अगर आप ये निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी को देखोगे तो देखिए, बेसिकली इस पर 1 लाख के आसपास कैपिटल चाहिए। और ये 1 लाख कैपिटल पे मे मंथ पे स्ट्रैटेजी 18.10% का रिटर्न दिया था, और जून मंथ पे 17.80, मतलब ये लगभग 18% के आसपास रिटर्न दिया था। और जुलाई मंथ पे स्ट्रैटेजी 13.04% का रिटर्न दिया। अगस्त मंथ पे 16.30% के आसपास रिटर्न आया था। और सितंबर मंथ पे स्ट्रैटेजी 14.57% का रिटर्न दिया था। दोस्तों पहली बार अक्टूबर मंथ पे स्ट्रैटेजी पे लॉस आया, जो कि 5% के आसपास आया है। और देखिए, नवंबर मंथ पे ये 11% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों मार्केट नवंबर मंथ पे पूरा साइडवाइज मूव कर रहा था, फिर भी दोस्तों यहाँ पे 11% से ज़्यादा रिटर्न आया है। और देखिए दोस्तों, अभी दिसंबर मंथ कंटिन्यू चल रहा है। दोस्तों दिसंबर मंथ पे देखिए, अभी 4 ट्रेडिंग डे हुआ है और ये नेट नेट 2.1% के आसपास लॉस चल रहा है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है, और ये सेफ स्ट्रैटेजी के माध्यम से आप महीना में 10-15% के आसपास आराम से रिटर्न कमा सकते हो।
अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे जानना है तो यहाँ पे मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है और ये चैनल आर्ट के अंदर भी मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मेंशन किया है, तो ये व्हाट्सअप के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।